हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रेट इंडियन किचन। यहाँ आपको मिलेगी सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपीज जिनको आप झटपट बना सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी है मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी में यूज होने वाला मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए दही। दही लगभग 300 ग्राम है। ये काजू गार्निशिंग के लिए, ये आधा कप चीनी है, ये दो आम हैं, ये दो दशहरी आम हैं। शेक के लिए या लस्सी के लिए हमें ऐसे आम इस्तेमाल में लाने चाहिए जिनके रेशे नहीं होते, जैसे कि सफेदा हुआ, दशहरी हुआ। तो चलिए बनाते हैं अब हम मैंगो लस्सी। पहले हम आमों को छील कर काट लेते हैं। आम को हमने काट लिया है, ये बड़े टुकड़ों में काटा है, ये प्यूरी बनाने के काम आएंगे और ये छोटे टुकड़े गार्निशिंग में काम आएंगे। ये मिक्सी का जार लिया है, इसमें पहले हम ये मैंगो डालेंगे, इसकी प्यूरी बनाएंगे और साथ में ये चीनी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसको अब हम पीसेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये पिसकर तैयार है मैंगो की प्यूरी। अब हम इसमें दही डालेंगे। और इसको दोबारा पीसेंगे। साथ ही थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे। अब इसको पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दही डाल के हमने पीस लिया है। मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें आधा गिलास पानी मिक्स करके दोबारा पीसेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैंगो लस्सी बनकर तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी क्रीमी लस्सी लग रही है। इसको हम गर्मियों में इसका मजा ले सकते हैं, कोई व्रत पड़े तो उसमें पी सकते हैं। पौष्टिक है, बच्चों को पसंद आएगी। इसकी इसमें डालते हैं एक एक आइस क्यूब। गर्मियों में आम का सीजन है तो इस लस्सी का मजा आप जरूर लीजिए। ये थोड़े से आम के टुकड़े छोटे छोटे गार्निशिंग के लिए। इसको देखते ही पीने का मन करेगा। फ्रेंड्स एक बार तो बनाना बनता ही है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है और गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आम तो बनता ही है। देखिए लग रही है ना मजेदार, एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिए।